टी शर्ट चेंज कर लेते हैं, खुशबू खुशबू लगा लेते हैं। बड़ा टाइम हो गया सुबह के 5:30, थोड़ा सा दिन दिखाई दे और हम यहाँ से कल्टी मार जाएंगे। ट्रिप मैंने जीरो कर दिया, 6:10 बाकी हैं। फील लाइक -30 है, 24 है और यहाँ पे डेप्थ देखो थोड़ी कम रह गई है, तो मैं डेप्थ डाल ही लेता हूँ। कहीं भी ऐसे वाले टाउन में खड़े हो ना जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी शक है, तो अपनी 5th wheel की पिन और पीछे जाके अपने ट्रेलर के दरवाजे चेक कर लो। ऐसे जैसे मेरा ट्रेलर खुला है, वैसे तो आपके पास में सील है तो सील लगा के जाओ, नहीं तो डेफिनेटली चेक करके जाओ खाली है ना। बड़े कांड ऐसे हिस्ट्री में हुए जो सुनने में झूठ लगते हैं लेकिन कभी भी सच हो सकते हैं। और यहाँ पे डॉगी बहुत घूम रहे हैं भाई, तो उनसे बच के निकलते हैं बस लेके। ऊपर वाले का नाम नॉर्थ एरिया है, तो कभी भी आपको काले वाला दोस्त मिल सकता है कहीं पे भी। फील लाइक बहुत ज़्यादा डाउन है लेकिन हवा नहीं चल रही, उसकी वजह से बचाव है। यहाँ पे रास्ते नहीं है जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने स्कूल बनाए हुए हैं, तो ये सारा स्कूल है इनका, वो वहाँ से लेके ये इतना बड़ा स्कूल है पूरे टाउन का, वासागामक फर्स्ट नेशन स्कूल। लेकिन फिर भी बंदे ना पढ़े तो इनका कोई कसूर नहीं है। जो इनके बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो तो चाहते हैं कि नशा पत्ता बंद हो जाए, लेकिन अभी आपको मालूम है जो नई जनरेशन होती है, सारी तो नहीं है लेकिन बहुत सारे बंदे नशे पत्ते में पड़ जाते हैं। इनके मालूम नहीं, सबको मालूम ही होगा, गवर्नमेंट इनको फंड भी करती है कि खर्चा पानी देती है, नशे के लिए फंड नहीं करती, खर्चा पानी देती है इनको। हम तो निकल गए अपने रास्ते, कल अपने पास में वजन था तो अपने ट्रक को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा। ये देखो कहाँ चढ़ गया ट्रक, ओए कल अपनी सुई 50 के पास में थी, आज अपनी सुई नीचे लगी 10 के पास में। पहली पहाड़ी से ही बैग जाना पड़ रहा है, डाउन बहुत ज़्यादा है, पीछे से भगा के लेके आना पड़ेगा भाई। आए वाहेगुरु, डिफरेंशियल लॉक लगाया, ट्रक को डाला 4th में 5th में। शिट मैन, लेकिन भाई हिल है बहुत। मैं आ रहा था राम राम से, अभी थोड़ा भगा के लेके आया, आगे पीछे ध्यान रख के भाई, हिल है बहुत। देखो ग्रेड, देखो हिल की, ट्रेलर देखना बंद हो जाएगा जब हम पास में जाएंगे इसके, देखने में लगती है कि हिल नहीं है लेकिन एम्प्टी ट्रेलर के लिए बहुत बड़ी हिल है। वो वाली पट्टी के ऊपर लेके गया मेरे को, ओह यहाँ पे तो पैर स्लिप हो रहे हैं भाई। यहाँ पे कहीं काले वाला दोस्त आ गया ना भाई, उसने एक कदम भी आगे नहीं जाने देना, उसने बोलना है आ जा वाहेगुरु। बाबा जी का नाम लेके जा रहे थे, चढ़ती कला होगी, चैन नहीं डालनी पड़ी, नहीं तो यहाँ पे चैन डालने वाला सिस्टम हो गया था अपना। आगे जहाँ से हम निकल के आए वहाँ से वो हिल, और वहाँ से जहाँ से मैंने बैक किया है वो वाली पुली बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसको बड़ी दिक्कत होनी थी रात को, इसलिए ये बंदा, दो बंदे मैनिटोबा की नंबर प्लेट है क्योंकि है ही मैनिटोबा में, तो ये यहाँ पे लगा के सो गए। ये भी अच्छा है, ये कितने कितने बड़े कारावान लेके आए, बढ़िया बढ़िया फर्मे ये डोनेट करती हैं डोनेट। अभी ये क्रॉस पोस्ट आ गई, इन्होंने इसको बोला होगा कि आप लोग यहाँ पे सो जाओ कल सुबह जाना। बंदे सोए हुए आराम से, कोई भी नहीं उठ रहा, ये उठे अभी सुस्ती मार, उठो भाई खोलो, आंखें नहीं खुल रही, देखो आराम से पिक्के में कीट लगा के सोया हुआ बंदा, क्या बात है। इतने बंदे अंदर गए, सारे बाहर निकाल रहे हैं सेफ्टी से, इलाके ऐसे हैं।
तीस तीस लिखा हुआ है भाई, लिखने की जरूरत क्या है, वैसे भी हम 25-30 पे तो जा रहे हैं सारे रोड के ऊपर। बोलता है आगे आने वाली ट्रैफिक के लिए रास्ता दो रास्ता दो, लेकिन आ कौन रहा है यहाँ पे। सारे दिन में 2-4 तो बंदे मिलते हैं इस रोड के ऊपर। ये देखो क्या टांगा हुआ किसी ने, ये देखो क्या हाल चाल। वो वाली जो हिल थी ना वो ऐसे थी ऐसे, ये थोड़ी सी लंबी है, मतलब कि ग्रेड कम है और लंबी है। चढ़ गया। जब गर्मियां हो जा रही है ना यहाँ पे नीचे ना घास फूस निकलना है, तो ऐसे बड़ा बड़ा घास फूस हो जाना, यहाँ पे कोई रोड नहीं होगा गर्मियों में। कर दू स्टार्ट, लेके जाना है कि नहीं, मालूम नहीं कब का बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। मालूम नहीं कब का बंद पड़ा हुआ है ये। ये बहुत सियाना ट्रक है, DPF वार्म अप पकड़िंग ओके टू ड्राइव इफ नेसेसरी। सूट लेवल हाई हो जाता है जब RPM लो पे ट्रक चलता है, तो बोलता है कि अगर ड्राइव करनी है तो कर लो, कोई चक्कर नहीं। ये ना डेप का फिल्टर होता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड, जो इंडिया में भी हम गाड़ियों में डालते हैं, थार में भी डालते थे इंडिया में यूरिया। वहां पे तो चलो एक और सिस्टम था ना कि वही कंपनी की डालनी है जिस ब्रांड की आपकी कार या ट्रक है, जैसे टाटा का ट्रक है तो टाटा की डेप। अभी ड्रोन उड़ा के और सामने से एक ट्रक आता दिखाई दिया, तो हौसला हो जाता है बंदे को, शुगर है भाई अपनी पार्टी का कोई बंदा आया आगे से। सारे गोरे अपने अपने ट्रक रखे हुए इन्होंने अपने पास, और हाथ भी नहीं उठा रहे पूरे गुस्से में, लेकिन कोई चक्कर नहीं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए भाई। इस बात की बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे बंदों को चढ़दी कला का मतलब मालूम पड़ गया। इंडिया में यहाँ यहाँ से भी दुनिया में अपने को बंदे देखते हैं, उनको मालूम है कि चढ़ती कला मीन्स कि हर अच्छे और बुरे वक्त में अपने आप को सही रखना, उसको बोलते हैं कि चढ़ती कला में रहना। मैं पहली बार अपना ट्रक ऑफिशियल तरीके से आइस क्रॉसिंग के ऊपर से निकाल के लेके जाऊँगा, तो पानी के ऊपर से स्पेशली, जब पानी जम जाता है तो बर्फ़ के रोड बन जाते हैं, तो वहाँ पर आइस क्रॉसिंग होती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रोड हमको लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो होती है ना ये पूरे नॉर्थ में कहीं भी होती है, आप अंटेरियो के नॉर्थ में, न्यूफाउंडलैंड में, हर जगह में, जगह जगह में, जहाँ जहाँ भी उनको ज़रूरत होती है, छोटे छोटे गांव होते हैं उनको दुनिया से जोड़ने के लिए सर्दियों में आइस रोड बनते हैं, और आइस रोड के बीच में जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे बर्फ़ को जमा के रोड तैयार कर दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं आइस रोड एंड आइस क्रॉसिंग। ये घास है और ये स्नो, देखो कल रात को टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था ना, तो नीचे से कैसा घास निकलेगा ये देखो, और इतने ज़्यादा खड्डे हैं इस रोड के ऊपर भी, अभी ऊपर वाले के हाथ में ही है, ये तो निकल गया, ये कहाँ गए सारे बोल्ट, तो ये हिल हिल के टूटना शुरू हो गया भाई। ऐसे नहीं आइस रोड बदनाम होते, आप लोगों को एक खुशखबरी देनी थी, जरा सामने देखो, किस किस ने खंबा देखा बिजली वाला बस, ओ भाई खंबा नहीं देखना, उसके ऊपर लगा बोर्ड देखा किसी ने कि नहीं देखा, 10-15-20 की स्पीड के चलते चलते भाई हम पहुंच गए 0 किलोमीटर वाले बोर्ड के पास में।
ये मेरा पहला आइस रोड ट्रिप था जो हमने फिनिश कर लिया, और ये भी चढ़ती कला में भाई जी। अभी दो दिन के बाद में इस पे क्लोज का बोर्ड लगेगा, ये क्लोज हो जाएंगे पूरी गर्मियां। ये रोड सिर्फ सर्दियों में चलता है भाई। और भी दुनिया में लाखों है, और इससे भी ये तो बहुत सिंपल रोड था, खतरनाक रोड भी है आइस रोड, जिनपे जिनके ऊपर चैनल डाल के जाना पड़ता है अपने अपने तरीके के ही। लेकिन हमारा पहला एक्सपीरियंस था तो हमारे लिए तो भाई बहुत नई बात थी। हम पहुंच चुके हैं आइस क्रॉसिंग के ऊपर, तो 40 टन की इसकी लिमिट है। अभी आप जो देख के वो है, वो था आइस रोड। ये आपको सामने जो फेरी दिखाई दे रही है, फेरी तो आपको मालूम है ना ये चलती है गर्मियों में, लेकिन ये जो सर्दियों में यहाँ पे कोई फेरी नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे रोड जो है वो जम जाते हैं और फिर यहाँ पे आइस ट्रकिंग होती है। तो ये लो आपका भाई पहली बार आइस रोड के ऊपर, आइस क्रॉसिंग के ऊपर अपना ट्रक लेके उतर गया नीचे, और यहाँ पे 10 की स्पीड है चलने की, आराम आराम से चलेंगे। नीचे पानी जमा हुआ है, और ये आपको जो सारा दिखाई दे रहा है ये सारी लेक है, इसके इस तरफ भी, इसके इस तरफ भी, और हम खड़े हैं जमे हुए रोड के ऊपर। अभी यहाँ पे नीचे उतरना अलाउड है या नहीं है ये मेरे को मालूम नहीं। ये देखो बर्फ टूटी हुई है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, नीचे पानी तो दिखाई नहीं दे रहा। 40 टन वजन लेके आप इसके ऊपर आ सकते हो। नहीं टूटती भाई, नहीं टूटती, ये पूरी आइस है, नीचे पानी चल रहा है इसके, पानी के ऊपर भाई आपका भाई खड़ा है भाई। यहाँ से आराम आराम से निकल जाना है हमने। ये जो आप मेरे पीछे फेरी देख रहे हो ये नॉर्वे हाउस फेरी है, इसके ऊपर आप 40 टन वजन लेके आ सकते हो। अगर आपके ट्रक में 40 टन वजन है तो इसकी जो ये स्नो है, जो आइस है, इसकी जो मोटाई होगी वो तकरीबन 2.5 फुट होनी चाहिए। अगर 2.5 फुट से कम होगी तो ये भाई आपका वजन नहीं झेल पाएगी और आप नीचे धस जाओगे। तो ये तकरीबन 100-150 मीटर लंबी है, तो ड्रोन से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मंजर है इसका, देखो कितनी साफ सफाई से इसने साफ की हुई है, और ये पूरा सिस्टम है। इसके ऊपर हम ट्रक लेके जाएंगे, ज़्यादा देर हम इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि मेरे को भी डर लग रहा है। छोटे छोटे ना बोर्ड लगाए हुए हैं थिन आइस के, कि यहाँ पे आइस थिन है, ओपन वाटर है, डेंजर है, रुको मत ज़्यादा, तो ज़्यादा हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। इसके नीचे बिल्कुल पानी है, जमा हुआ है पूरा, थिन आइस, ओपन वाटर, डेंजर है, निकलो यहाँ से। ये पानी में खड़ी है, गर्मियों में यहाँ पे पानी पे चलती है ये, और ये इतना लंबा है यहाँ से लेके वो उधर तक, कितनी बड़ी दरार आई हुई है इस पर, तो ये कभी भी टूट सकती है। लेकिन अभी ये 2-2.5 फीट स्लैब है। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि इसको इसको मेजर कैसे करते हैं, तो ये भाई तोड़ के मेजर नहीं करते, इनके पास में लेजर होती है, लेजर से ऊपर से नीचे लेजर मार के देखते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है। इसके ऊपर जाने के लिए आपको आपकी स्पीड 10-15 की होनी चाहिए, जोर से आप इसके ऊपर ब्रेक नहीं मार सकते, जोर से आप इसके ऊपर एक्सीलेटर नहीं दे सकते। दिस इज कॉल्ड आइस क्रॉसिंग। तो आपका भाई पहली बार जिंदगी में आइस क्रॉसिंग कर रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। और हमारे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइडों में यहाँ पे पानी है, तो पानी के ऊपर हम जा रहे हैं क्योंकि ये रोड इन्होंने साफ करके बिल्कुल सही बनाया हुआ है। भाई बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है यार, आपके भाई ट्रक लेके पानी के ऊपर घूमता हुआ, और आपको कैसे फील हो रहा है यार, क्योंकि मेरे को मालूम है आपको भी उतना ही चाह होता है जितना चाह आपके भाई को होता है इस चीज का। भगाना नहीं है ट्रक ज्यादा आपने, नीचे जो आइस की जो परत है, लेयर है, वो कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी टूट सकती है। जैसे आपने अभी दरारें देखी है ना, इसमें दरारें पड़ी हुई है क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो माइनस प्लस के पास में आ रहा है, इसलिए। मेरा ट्रक का वजन अभी 25 टन होगा, तो मैं 40 टन तक इस रोड के ऊपर, अभी आइस रोड के ऊपर लेके जा सकता था। तो कितना बड़ा भाई रिवर है, जिस रिवर के ऊपर से मैं निकल के आया हूँ, बीचों बीच उसके रास्ता बनाया हुआ है, क्योंकि इनके पास में यहाँ पे ब्रिज नहीं बनाया हुआ, तो उसकी वजह से इनको फिर फेरी जो है वो क्रॉस करवाने के लिए फेरी गवर्नमेंट की लगी हुई है। पैसा यहाँ पे कोई नहीं लगता, लेकिन भाई एक अलग ही चीज़ बन जाती है ये देखो। और ये फेरी की डॉक आपको दिखाई दे रही है ये वाली,
और इधर से फेरी चल के फिर इधर जाती है, इसके नीचे भाई लाइव पानी है। तो आपका भाई का जिंदगी का सफल हो गया, जैसे अपना ऑलमोस्ट डम हो गया भाई, आइस क्रॉसिंग लाइव मैंने दिखाई है आज। किस किस को दरारे देख के, जो आइस में दरारे पड़ी हुई है, किस किस को देख के टेंशन हुई है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो, क्योंकि मैं तो एक बार हिल गया था। मैं बोला मैंने कहां ट्रक रोक लिया, लेकिन मैंने बोला अभी रोक लिया, फिर से ब्रेक मारूंगा, तो दो तीन बार ब्रेकें मारनी सही नहीं होगी, एक ही जगह पे रोका है, बस यहीं पे जो वीडियो बनती है बना लो भाई, क्योंकि जैसे ही भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस, और नीचे पानी चल रहा है भाई। मेरे को भी पहली बार ही मालूम पड़ा कि आइस रोड क्या होते हैं और आइस क्रॉसिंग क्या होती है। लेकिन इनके पैसे हर एक कंपनी अपने हर एक बंदे को अलग अलग तरीके से देती है, जैसे हमारी कंपनी पैसे जो है आइस ट्रकिंग के हो गए, जैसे मैं प्रूडो पे गया था, ऐसे वाले रोड जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन किलोमीटर कम निकलते हैं, तो ऐसे वाले ट्रिपों के जो पैसे होते हैं वो कमीशन के बेस के ऊपर होते हैं। जैसे कोई कंपनी जो है वो 20% कमीशन देती है, मेरे वाली कंपनी भी शायद 20% देती है, क्योंकि अभी तक मेरे को पैसे इसके मिले नहीं, ना पहले ट्रिप के मिले, तो जैसे मिलेंगे उसके हिसाब से आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन कोई कंपनी 18 देती है ड्राइवर को, कोई 20%, जितने का ट्रिप होगा, जितने का कंपनी को ट्रिप मिला होगा। और अभी नहीं, नाइस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा भाई ने, ये हमको भी मालूम नहीं होता, और ये एक भरोसा और विश्वास होता है। जैसे जैसे हमारे ऑनर ने बोल दिया कि ये मेरा ट्रिप जो है मेरे को इतने का मिला है, तो आपको 20% की उसकी कमीशन मिलेगी उसके हिसाब से, तो ऐसे ही चलता है, विश्वास के ऊपर टिका हुआ है सारा कुछ। तो बाकी ऊपर वाला जानता है, क्योंकि उसको जान देनी है हमने। किसी कंपनी में 25% भी है, BC का मेरे को भाई मिला था, उसमें 25% है। तो अलग अलग अपने अपने फंडे हैं, अलग अलग अपने अपने रेट हैं, जिसको जैसा वारा खाता है, जिसको जैसा फिट बैठता है, उसी कंपनी में काम करने लग जाता है बंदा। ओए, वो सामने सीन देखो, ओए आपको दिखाई दिया, व्हाट ए सीन। ओहो मैडम जी जाओ प्लीज, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, रुक के। तो यहाँ से भाई 6 नंबर हाईवे स्टार्ट हो गया अपना, इसे बोलते हैं अपना हाईवे, हमने खरीदा हुआ है ना। और जैसे हमने घुमाया, सामने एक ट्रक दिखा और उसके ऊपर लादी हुई चीज, और ट्रक देखो दोनों बड़े जबरदस्त भाई। तो 600 जान हो गया, 600 ऑन, और डीजल मेरा देखो लाल वाली सुई के क्वार्टर डीजल मेरे पास बाकी है। और यहाँ से जाने के टाइम में मैंने टैंकी फुल कराई थी, आपको याद होगा रात को, तो अभी फिर $500 का डीजल डालना पड़ रहा है, क्योंकि इस डीजल से मेरा ट्रक विनीपैग नहीं जा रहा, पूरा का पूरा टैंक 1200 किलोमीटर में डाउन हो गया, सिर्फ क्वार्टर था। जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तब भी मेरे पास में क्वार्टर ही डीजल था। अभी मैंने 500 का ही डालना है, 250 का इस तरफ, 250 का उस तरफ, 94-95 तो बस हो। 500 के ऊपर हो गया, 591 हो गया भाई। अभी 91 सेट अपनी जेब से देने पड़ेंगे। मैंने सोचा था $1 पहले बंद करूंगा, ये तो $1 ऊपर हो गया भाई। कभी कभी आप में से कई बंदों को लगता होगा कि भाई को यार आराम से प्लेन के ऊपर काम मिल जाएगा, भाई क्यों पंगे लेता है। तो भाई ये चस्का होता है, चस्का कंटेंट इधर भी बन सकता है, पहले भी बनाते थे, लेकिन ये सिर्फ अब चस्का हो गया कि नहीं देखनी है चीजें। लाइटें कर लेते ऑन, तेल की टैंकी देखो आधे के ऊपर हो गई, अपने को किलोमीटर बाकी कितने रह गए, 400, आराम से हो जाएगा, ग्रैंड रैपिड टाउन है ये। नहीं बाबा जी अभी मैंने नहीं रुकना, मेरे को सिर्फ 40 किलोमीटर बाकी बचे हैं, डेप का इशू आ गया, देखो सामने रेड लाइट जो आ रही ना, पावर रिड्यूस्ड ड्यू टू SCR फॉल्ट सिस्टम। तो भाई अभी मेरे को 40 किलोमीटर पीछे रुकना पड़ेगा अगर ये ट्रक की पावर डीरेट हो गई। बाबा जी जा लेने दो अभी घर, 40 किलोमीटर बाकी है बस, 40 लगेगी बैक के, नहीं लगेगी भाई। ये देख लो भाई, वासा गामा के पेपर और साथ में मोटोरोला का रेडियो यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, तो APT को मालूम पड़ जाएगा। हर काम प्रॉपर तरीके से करके जाना है भाई, और APT का थैंक यू फिर से करके जाएंगे, जैसे हर ट्रिप के बाद में करते हैं, क्योंकि ये वाले रोड नहीं देखने से अगर APT ना दिखाती तो भाई। ये लो ये क्या गार्बेज, पर हमको लेने के लिए एक शख्स आया, एक प्राणी आया, ये देखो क्या आवाज है, क्या आवाज। इसका दूर से ऐसे बोलने का मतलब है आज कुछ मत बोलना, आज बेइज्जती मत करना, आराम आराम से जाने दो। नहीं यार बेइज्जती नहीं करते, हमारा भाई है, इसके पास में टाइम था तो मेरे को टैक्सी नहीं लेनी पड़ी, $50 मेरे बचा दिए। बता भाई क्या खाना है $50 का, खुली ऑफर है, सूखा आटा लेते हैं, आटा खाते हैं, दो दो मुठियां भर के आटा खाते हैं। उन्होंने बोला कुछ भी चलेगा। यार मैं तो सुना था अभी प्लस टेम्परेचर हो गया, लेकिन प्लस वाली तो कोई बात ही नहीं, विनीपैग में पहले आइस रोड से आया हूँ, और तुम मेरी आइस रोड यहाँ पे मत बुलाना, आराम से मेरे को घर उतार दे बस, टेंशन फ्री है भाई। बस जब तुम ये बहुत बोलते टेंशन फ्री हो जाए, तब भी मेरे को टेंशन शुरू होती है। कैन आई हैव 2 स्पाइसी चिकन पेरी पेरी बड़ी बर्गर, एनीथिंग एल्स। इतनी अंग्रेजी, ओहो हो
लगा दिए डेर भाई सारे सामान के आपके भाई ने, और वो आपके भाई का मंजा सामने पड़ा हुआ है, और ये A&W के बर्गर पड़े हुए हैं। मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जो आइस ट्रकिंग के ऊपर गया हूँ, यहाँ लाखों हजारों अपने भाई हर साल आइस ट्रकिंग करते हैं, पक्के करते हैं। आइस ट्रकिंग मुश्किल से मुश्किल होती है, सबसे ज्यादा मुश्किल आइस ट्रकिंग पता कौन सी होती है, जिसके ऊपर जिसमें हिलने बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची पड़ती है ना, वो आइस रोड जो होते हैं ना वो बड़े मुश्किल होते हैं। जो पानी के ऊपर चलना होता है ना वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो आसान चीज होती है बस, क्योंकि वो सेफ होती है, प्लेन रास्ता होता है, उसमें ऊपर खाबड़ कोई नहीं होगा, सिर्फ स्लिपरी होगी तो आप अपना ट्रक नहीं बगा सकते। ओए होए 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 आले नहीं मंगा चढ़वा दूं, मंगा चढ़वा दूं तेनू। सुबह 6 बजे 2 फुलके खाए थे भाई, सुबह 6 बजे, फिर बाद में मैंने अंडा सैंडविच लिया शाम को 6 बजे, वो खाया। जहां मैं गया था ना वो बंदे सारी गर्मियां अपने टाउन से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ सर्दियों में उनको विंटर रोड मिलता है उसमें वो लोग आ जा सकते हैं, पूरी गर्मियां ना वो अपने टाउन से बाहर जाएंगे, उधर ही आसपास में घूमते हैं, विनी पैक नहीं आ सकते। एमरजेंसी पैक ही तो उनके टाउन से दूसरे टाउन में 4-5 किलोमीटर है, और वहां से उनको मिलती है फ्लाइट विनी पैक की, अगर एमरजेंसी हो तो। अगर वैसे नॉर्मली है ना तो बहुत महंगी है, हमसे ट्रांटो नहीं जाया जा रहा है, 7-8 साल हो गए मेरे से ट्रांटो नहीं गया मैं अभी तक फ्लाइट लेके स्पेशल काम के लिए, जब भी इंडिया जाना होता है वाया ट्रांटो जाके या फिर ट्रक पे जाता हूँ। मज़ा तो आपको आया ही होगा, तो अभी तक आपने लाइक भी कर दिया होगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा सा कमेंट भी कर दो, पढ़ के हमको खुशी मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले बंदे जिन्होंने अभी तक नहीं किया, आपको ही बोल रहा हूँ भाई, हाँ तुमको तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, चेक करो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो, रब रखा। ओहो माथे पे लगता तो सारा बर्गर गंदा हो जाना था। बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई कि नूनावट टेरिटरी जाओ, नूनावट टेरिटरी, ओ मेरे भाई नूनावट टेरिटरी को कोई रोड नहीं जाता, बाय रोड हम वहाँ पे जा ही नहीं सकते, वहाँ सिर्फ प्लेन आते हैं, प्लेन से ही लोग आते हैं, प्लेन से लोग जाते हैं। अगर आपकी आपकी बहुत ज़्यादा दिली तमन्ना है तो मैं भाई प्लेन लेके जाके आता हूँ वहाँ पे, और फिर ट्रक लेके तो नहीं जा सकते भाई। चलो मिलते हैं, बाय बाय। You can have whatever you like when it's you and I.